अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज का हमारा AS लेवल का 9618 जो हमारा सिलेबस कोड है, और बच्चों इसका पेपर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 6 करा, ठीक है? लेक्चर नंबर 6 है हमारा, और अगर आप पर्टिकुलरली बुक के अंदर से पूछो तो दिस इज चैप्टर नंबर 9, ठीक है? और जो हमने बुक कंपाइल की हुई है उसके अंदर ये सारी चीजें डायमंड बुक के अंदर दी हुई, ठीक है? डायमंड बुक का चैप्टर नंबर 9 और दिस इज लेक्चर नंबर 6। बच्चों लेक्चर नंबर 6 के अंदर मैं आपको जो टॉपिक कराने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये ना बच्चों, आपके पास कुछ लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को अगर हम देखें तो उस लैंग्वेज के अंदर आपको बहुत सारी चीजों को कवर करना हो। जैसे अगर कोई आपको बोले कि सर पाइथन लैंग्वेज है, तो पाइथन को चलाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर तो चाहिए ना? पाइथन लैंग्वेज को चलाने के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए या नहीं चाहिए? यस चाहिए। तो बच्चों पाइथन को कोड को रन करने के लिए जो कोड रनर सॉफ्टवेयर होगा ना, उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्या बोलेंगे बेटा? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यानी कि किसी भी लैंग्वेज को रन करने के लिए जो कोड रनर सॉफ्टवेयर होता है ना, उस कोड रनर सॉफ्टवेयर को मैं क्या बोलता हूँ? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बेटा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑनलाइन IDE, यानी कि जो वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट होगा। किस पे इम्प्लीमेंट होगा? वेबसाइट। ऑनलाइन IDE किसी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट होगा, यानी कि कोई वेबसाइट बनी हुई होगी, उस वेबसाइट पे IDE इम्प्लीमेंट होगा। जैसे हमारी वेबसाइट है theakkihan.com पे हमने या मैंने, मेरी टीम ने पूरा ऑनलाइन कंपाइलर बना हुआ है पाइथन का, ठीक है? दूसरा बेटा सॉफ्टवेयर बेस्ड IDE भी होता है, जो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, और सबसे ज्यादा जो सॉफ्टवेयर बेस्ड IDE चलता है वो होता है पाइचा। बोलो क्या होता है? पाइचा। तो पाइचा में कैसे सॉफ्टवेयर बेस्ड IDE है जो सबसे ज्यादा चलता है, और A2 लेवल के पेपर 4 के अंदर भी पाइचाम आएगा। बोलो A2 लेवल के पेपर 4 के अंदर भी क्या आएगा? पाइचाम। अच्छा पाइचाम नहीं आएगा, वो आपसे पूछता है। जब आप A2 का पेपर 4 यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम देते हो, तो वो आपसे पूछता है भाई बताइए आप कौन सा IDE अपने PC में इंस्टॉल कराना चाहते हैं। वो आपसे पहले ही ईमेल करके पूछेगा, यानी कि आपका एग्जाम लेट सपोज अगर मई के अंदर है, तो फेब में आपके पास कैम्ब्रिज की तरफ से एक ईमेल आ जाएगी जिसमें वो आपसे पूछेगा व्हाट आर योर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर द एग्जाम, जिसमें आप बोलते हो कि भाई मेरा जो IDE सॉफ्टवेयर जो मुझे चाहिए है वो पाइचाम चाहिए। आपके बराबर वाला दोस्त कहता है कि भाई मुझे VS कोड चाहिए, VS कोड भी एक IDE है। तीसरा बच्चा कहता है कि भाई मैंने तो एटम पे काम करा, तो मुझे आप एटम इंस्टॉल करके दे दें। बच्चों IDE एक सॉफ्टवेयर है जिसपे लैंग्वेज रन होती है, लैंग्वेज तुम्हें आनी चाहिए ना, ठीक है ना? तो एक्चुअल में लैंग्वेज को रन करने के लिए जो कोड रनर सॉफ्टवेयर है, उस कोड रनर सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं, लेट सपोज एक एग्जांपल है पाइचाम, दूसरी है VS कोड, तीसरा है क्या? एटम। अच्छा A2 पेपर 4 के अंदर कोई वेबसाइट या ऑनलाइन पाइथन IDE नहीं आएगा, वो आपको सॉफ्टवेयर बेस्ड IDE पे ही लेके जाएंगे, सही है? तो बताओ जल्दी से मुझे कितने सॉफ्टवेयर बेस्ड IDE हैं? 3 3। आप इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हो, और मैं ज्यादातर बच्चों को यूज कराता हूँ पाइचाम और अपना ऑनलाइन IDE। ऑनलाइन IDE का फायदा ये है कि आपको कोई सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं पड़ती, आप जस्ट वेबसाइट ओपन करते हो और कोडिंग करते हो और बंद कर देते हो। यहाँ पर आपको अपने लैपटॉप में कोड सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है, सही है? बट A2 पेपर 4 के अंदर सॉफ्टवेयर बेस्ड IDE आएगा और वो ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखेंगे। आपको अगर पाइथन आती होगी तो आप इजीली कर लोगे, अगर आपको नहीं आता होगा तो आप इस सॉफ्टवेयर को बैठ के क्या करोगे? सिर्फ देखोगे, कर तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो सिर्फ याद रखना कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक एनवायरनमेंट का नाम है जिसपे हम पाइथन को रन करते हैं, जिसपे हम पाइथन को क्या करते हैं बेटा? रन करते हैं। एम आई क्लियर? जी सर, जी सर, यस सर। हाँ बोलो, सही है ना? क्लियर है ना? चलें नाउ बच्चों, ये देखिएगा, दिस इज अ स्क्रीनशॉट या दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पाइचाम IDE। गाइस देखें, ये पाइचाम IDE मैंने अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल किया हुआ है। पाइचाम एक IDE है जो सबसे ज्यादा चलता है। बेटा पाइचाम IDE के अंदर अगर आप देखो तो ये अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं बेटा आपको? ये आपको कोड को रन करने वाली चीज है। ये क्या है? कोड को रन करने वाली चीज। यहाँ पे कोड रन होगा, ये जो हैश टैग में लिखते हैं ना, ये कमेंट लाइन होती है। कमेंट लाइन जो है ना, वो पाइथन नहीं समझता, पाइथन इसको स्किप करके आगे चले जाता है यहाँ से, देख रहे हो बच्चों? तो ये एक ऐसा जबरदस्त है ना इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट है, कोडिंग करने में मजा आ रहा है। अलग अलग तरीकों से अलग अलग कलर्स को रिप्रेजेंट करना, ये जो कलर्स ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं ना, इनको बोलते हैं प्रीटी प्रिंटिंग या कलर कोडिंग। बोले क्या बोलते हैं? प्रीटी प्रिंटिंग या कलर कोडिंग।
गाइस ये जो कलर्स चेंज हो रहे हैं ऑटोमेटिक, इसको क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, बोलो। प्रिंटी प्रिंटिंग और कलर कोडिंग, प्रिंटी प्रिंटिंग और कलर कोडिंग। अच्छा एक और बात गाइस, पाइथन के अंदर अगर आपको याद हो मैंने पढ़ाया था, ये एक लाइन है और इसके अंदर ये एक और लाइन, ये जो अंदर करके लिखते हैं इसको बोलते हैं क्या, इंडेंट। इंग्लिश शाबाश। तो ना ये पाईचाम क्या करता है, जैसे तुम यहाँ पर आके एंटर का बटन दबाते हो तो वो ऑटोमेटिक खुद से इंडेंटेशन कर देता है। ऑटोमेटिक इंडेंटेशन को हम बोलेंगे ऑटोमेटिक इंडेंटेशन। तो भाई तो बड़ा अच्छा काम हुआ ना, क्योंकि इंडेंटेशन उसने खुद करके दे दी, आपने नहीं करा। जब तुम ब्रैकेट ओपन करते हो ना यहाँ पे, ये ब्रैकेट तुम ओपन करोगे, आईडी खुद ही क्लोज करेगा। आईडी आपको ऑटो करेक्शन भी करके देता है। आईडी आपको एक और क्या काम करके देता है बेटा, बोलो। ऑटो, करेक्शन ऑटो करेक्शन और ऑटो कंप्लीशन। करेक्शन का मतलब ये कि जैसे तुमने यहाँ पे एलिफ में अगर सिर्फ ई और एल लिखा तो वो ऑटोमेटिक आपको कंप्लीट करके देगा, करेक्शन करके देगा। ऑटो करेक्शन भी करके देगा, ऑटो कंप्लीशन भी करके देगा। तुमने अगर यहाँ पर कॉलन लगाना मिसिंग कर दिया तो वो बोलेगा यार इसको करेक्ट करके यहाँ पे क्या लगा दो, कॉलन लगा दो। तो आईडी सॉफ्टवेयर बहुत सारे काम कर रहे हैं। नंबर वन आपने मुझे बोला कि सर प्रीटी प्रिंटिंग करके दे रहे हैं, अच्छे अच्छे कलर्स में करके दे रहे हैं ताकि इजिली आप एक्सेसिबल कर सकें, प्रीटी प्रिंटिंग करके दे रहे हैं, ठीक है। और क्या दे रहा है बेटा, ऑटो करेक्शन करके दे रहा है ना, ऑटो कंप्लीशन करके दे रहा है, और क्या करके दे रहा है बेटा, इंडेंटेशन आपकी करके दे रहा है, सही है ना बच्चों। हाईलाइट कर रहा है कोई वेरिएबल अगर तुमने डिक्लेयर नहीं करा, इसको भी हाईलाइट कर, ठीक है। यस हाईलाइट अनडिक्लेयर वेरिएबल, ये सब काम देख रहे हो, आपकी जिंदगी आसान बना रहे हैं ना आईडी सॉफ्टवेयर। अनडिक्लेयर वेरिएबल गाइस आपकी जिंदगी आसान बना रहे हैं ना, कोडर को कितनी हेल्प कर रहे हैं बच्चों। ये जो हैशटैग में लिखते हो ये क्या होता है, बोलो। कमेंट, कमेंट कमेंट भी लिख के दे रहा है, और कमेंट वाली लाइन कंपाइलर रन करता है या स्किप करके आगे बढ़ जाता सर रन नहीं करता। है, रन नहीं, कमेंट्स भी करके दे रहा है, ठीक है। एम आई क्लियर। और एक और बात बेटा, ये जो बटन है ना इससे क्या होता है, आपका सोर्स कोड एडिटर रन होता है और ऑब्जेक्ट कोड में चले आता है। तो ये रन का मतलब होता है ट्रांसलेट करना, बोलो क्या करना, ट्रांसलेट। तो एक्चुअल में आपका आईडी सॉफ्टवेयर आपको ट्रांसलेट भी करके दे रहा है, आपको ट्रांसलेट भी करके दे रहा है, सही है। एम आई क्लियर। यस आइए बच्चों, अब हमारे पास एक मेरी वेबसाइट है, उस वेबसाइट को जैसे हमने ओपन किया तो उस पे हम जब जाएंगे तो एक्चुअल में मेरी वेबसाइट का नाम है www.theakkikhan.com। लास्ट टाइम मैंने कराई है ना वेबसाइट पे काम कराया है ना लास्ट लेक्चर्स में, चलो भाई www.theakkikhan.com पे जब हम जाएंगे और पाइथन आईडी पे जब तुम जाओगे, ये ऑनलाइन कंपाइलर गाइज, ऑनलाइन कंपाइलर और सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपाइलर के फायदे बताओ। सॉफ्टवेयर बेस्ड में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, और सर ऑनलाइन में सिर्फ वेबसाइट खोलनी पड़ेगी। बस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, खरीदनी नहीं पड़ेगी, वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वेबसाइट पे लेनी ओपन करनी पड़ेगा, पड़ेगी। बस ओपन करनी पड़ेगी और ऑटोमेटिकली आपके पास ये सब आ जाएगा, है ना भाई। तो ऑनलाइन इसलिए ज्यादा इजीली है कि भाई हम उस पे जाके बस काम कर लेते हैं। लेकिन अगर तुम्हें अपने प्रॉपर एग्जाम किस में होगा, सॉफ्टवेयर बेस्ड में एग्जाम ऑनलाइन कंपाइलर पे होगा, सॉफ्टवेयर बेस्ड पे होगा, ए टू का सॉफ्टवेयर पे, तो ए टू पी थ्री पाईचाम या वीएस कोड पे होगा। गाइज मैं आपको वीएस कोड नहीं दिखा रहा, वीएस कोड भी देख लीजिएगा, पाईचाम आई गेस इनफ होगा, बट आप वीएस कोड पे भी कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक के अंदर होगा हाउ टू इंस्टॉल पाईचाम। मैंने पाईचाम मैक पे भी इंस्टॉल करके दिखाया है, विंडोज पे भी करके दिखाया है। तो हाउ टू इंस्टॉल पाईचाम, कैसे पाईचाम आपके पीसी पे इंस्टॉल्ड होगा, उसकी लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए बच्चों, जब मैं ऑनलाइन कंपाइलर या www.diakkikhan.com पे जाऊंगा, ये मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट में अगर आप देखो तो दो एक्चुअल में स्क्रीन है बच्चों, जहां पर हम कोडिंग करते हैं उस स्क्रीन को कहते हैं सोर्स कोड एडिटर, बोलो क्या बोलते हैं, सोर्स कोड एडिटर।
बच्चों जो आउटपुट स्क्रीन आती है उस आउटपुट स्क्रीन में जहाँ पे वेरिएबल्स रन हो जाते हैं वो कहलाता है रिपोर्ट और वॉच विंडो। बोले रिपोर्ट और वॉच विंडो, बोले रिपोर्ट और वॉच विंडो। तो जल्दी से मुझे बताओ, जब मैं कोडिंग करता हूँ तो मेरी कोडिंग वाली जो स्क्रीन होती है वो क्या कहलाती है? अहमद, ऐमन, ऐमन क्या कहलाती है ये वाली स्क्रीन? ऐमन सो रही हो क्या तुम? अहमद, हन्नान, एडिटर एडिटर। और ये वाली जो स्क्रीन है जिस पर रिजल्ट ट्रांसलेट होके आएगा, जिसमें ये वाला बटन रिजल्ट को ट्रांसलेट करता है, ये बटन क्या कहलाएगा? रिपोर्ट और वॉच। ठीक है, अब आते हैं कि भाई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। गाइस एक और बात आपको बता दूं कि ये आईडीई पेपर वन के चैप्टर नंबर 5 में भी है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका पेपर वन का चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। बच्चों ये टॉपिक पेपर वन चैप्टर नंबर 5 में लास्ट टॉपिक है, और ये पेपर वन में भी आ सकता है और पेपर टू में भी आ सकता है। आईडी एक ऐसा वाहिद टॉपिक है जो P1 में भी आ सकता है और P2 में भी आ सकता है। तो इसको बिल्कुल कान खोल के और गौर से समझिएगा। ठीक है, आइए आईडी की बेटा फॉर्मल डेफिनेशन जरा देखिएगा क्या लिखी हुई है। आईडी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडीई एक ऐसा प्रोग्रामर, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कोडर को या प्रोग्रामर को फीचर्स प्रोवाइड करता है। कोडर को या प्रोग्रामर को क्या प्रोवाइड करता है? फीचर्स, ताकि वो कोडिंग को लिखने में, समझने में, प्रोग्राम को डेवलप करने में उसको इजिली फीचर्स प्रोवाइड। सही है, क्या प्रोवाइड हो? इजिली फीचर्स। तो आईडी इज यूज बाय प्रोग्रामर टू एड द राइटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम्स। यानी कि उसको एक्चुअल में हेल्प मिलती है, प्रोग्रामर को हेल्प मिलती है ताकि वो इजीली अच्छे अच्छे फीचर्स को यूज करते हुए क्या करे, अपना कोड लिखे। देर आर टू टाइप्स ऑफ आईडी, एक मैंने बताया था सॉफ्टवेयर बेस्ड और एक ऑनलाइन कंपाइलर। सॉफ्टवेयर बेस्ड में 3 नाम बताए थे, कौन कौन से बताओ जल्दी। गाइस सॉफ्टवेयर बेस्ड में 3 नाम बताए थे, कौन कौन से? पाइचार्म, वीएस कोड और एटम। इसके अलावा कुछ और होते हैं? गैस बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और एक और बात, जब मैं A2 P4 का एग्जाम दे रहा हूँ तो मेरे पास 3 महीने पहले एक ईमेल आएगी CI की तरफ से। वो आपसे बोलेगा व्हाट आर द आईडीई सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, तो आप उसमें उसको अपनी पसंद का इनमें से कोई भी एक आईडी बता देना। सही है, तो वो क्या करेंगे, अपने लैपटॉप पे पहले से सेटअप करके आपको बुलाएंगे। जब आप पहुंचोगे तो वो बोलेंगे भाई ये रहा पहचान, चलो शाबाश सवाल करके बताओ। ठीक है, क्या जरूरी है पाइथन पढ़ना A2 P4 में? नहीं, आप विजुअल बेसिक भी पढ़ सकते हो, लेकिन विजुअल बेसिक मैं नहीं पढ़ाता, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा? पाइथन। ठीक है, फिर पाइथन का ऑनलाइन कंपाइलर है, और ऑनलाइन कंपाइलर पे आपको मैं काम करा रहा हूँ वेबसाइट पे, वही www.theakhirkhan.com। गाइस ये मैंने आपको पाइथन के बारे में कराया और ये ऑनलाइन है। आइए बेटा आप आईडी की जरा फॉर्मल चीजें पढ़ते हैं। गाइस एक बार बताओ, आईडीई पेपर वन में भी है या पेपर टू में ही है सिर्फ? दोनों में सर और पेपर वन के कौन से चैप्टर में? चैप्टर 5। चलिए अब जरा देखिएगा भाई, अब यहाँ से इसकी थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीजें स्टार्ट हो रही कि आईडी एक ऐसे सॉफ्टवेयर होता है या एक ऐसे सॉफ्टवेयर कैटेगरी का नाम है जो प्रोग्रामर को हेल्प करता है राइटिंग में। ठीक है, आईडी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं बच्चों? आईडी में 4 चीजें होती हैं। नंबर वन, सोर्स कोड एडिटर। बच्चों व्हाट इज सोर्स कोड एडिटर? ये रहा, जहां पे तुम कोडिंग लिखते हो ना, जहां पे तुम कोड लिखते हो, ये कहलाता है क्या? सोर्स कोड एडिटर। क्या कहलाता है बेटा? सोर्स कोड एडिटर। अब सोर्स कोड एडिटर में क्या क्या चीजें, वो अभी हम पढ़ेंगे, बट मैं आपको सिर्फ यहाँ बता दूं कि आईडी के अंदर 4 चीजें होती हैं। आज आईडी यूजुअली हैव नंबर वन सोर्स कोड एडिटर, नंबर टू ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, नंबर थ्री रन टाइम इन्वायरमेंट विद डीबगर, रन टाइम इन्वायरमेंट विद डीबगर, यानी कि करंटली जो काम कर रहे होते हो ना, रन टाइम का मतलब होता है करंटली, प्रेजेंटली जो प्रेजेंटली इन्वायरमेंट चल रहा है वो, और उस प्रोग्राम्स को करेक्ट करने वाला डीबगर, एरर्स को करेक्ट करने वाला डीबगर। ठीक है गाइस, एंड लास्ट है ऑटो डॉक्यूमेंटर। जो भी तुम काम कर रहे होगे ना, उस पूरी डॉक्यूमेंट्स को बनाने वाला कौन होगा? ऑटो डॉक्यूमेंटर। गाइस जल्दी से बताएं आईडी में टोटल कितनी चीजें होती है? मेन चीजें 4। नंबर वन, ट्रांसलेटर, नंबर टू, नंबर थ्री रन टाइम एनवायरमेंट विथ डीबगर, डीबगर, नंबर फोर एन ऑटो
डॉक्यूमेंट का। अनान मुजम्मिल, बाकी बच्चे आप लोग क्यों नहीं जमा कर। चलिए, अब कोई अगर आपसे पूछे कि भाई सोर्स कोड एडिटर में, आईडी का जो एक मेन पार्ट है वो क्या है बेटा, सोर्स कोड एडिटर, उस सोर्स कोड एडिटर में कितनी चीजें आती हैं, तो आप जवाब देंगे सर 3 चीजें आती हैं। नंबर 1, प्रीटी प्रिंटिंग और कलर कोड्स। गाइज मैंने अभी बताया था ना, प्रीटी प्रिंटिंग कलर कोड्स क्या होते हैं, जल्दी बताओ माइक अनम्यूट करके। फिर सर वो कलर्ड में लिख देते हैं सब कुछ, जो वो जो हमारी ऑटोमेटिक, वेरिएबल्स वगैरह होते हैं। यानी कि वो ऑटोमेटिक खुद ही कलर में कर देता है, हम नहीं करते, वो खुद ही कर देता है। ये रहा, देखो यहां पर भी उसने उसने कमेंट को खुद से ग्रीन कलर में कर दिया ना, है ना, ठीक है। पर यहाँ पे देखो पाइचाम के अंदर मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिक कलर्स में करके दिखा रहा है। बच्चों क्यों करता है कलर में, इंट्रैक्टिव दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, वीआईपी दिखाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, जो सोर्स कोड एडिटर है उसमें नेक्स्ट एक आएगा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प। बोलो क्या आएगा, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प, जिसको तुम बोलते हो कॉन्टेक्स्ट को खुद से कंप्लीट करना, जिसमें आएगा ऑटो कंप्लीशन, वो आपको बताएगा कि भाई उसको ऐसे करना है और उसको ऐसे नहीं करना। नेक्स्ट, अभी इसको पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में। नेक्स्ट आएगा डायनेमिक सेंटेंस चेकिंग। डायनेमिक सेंटेंस चेकिंग का मतलब ये होगा कि आपने जो लिखा है भाई वो बिल्कुल सही है या गलत है, उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है। गाइस ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को डायनेमिक सिंटेक्स चेकिंग में कहा जाता है सिंटेक्स एरर। बोले क्या बोला जाता है, सिंटेक्स एरर। एम आई क्लियर? और अगर तुम्हें 1+1 करना था, तुमने कर दिया 1-1, तो वो आपको बोलेगा यार तुम्हारी लॉजिक में मसला है। बोलो किसमें मसला है, तुम्हारी लॉजिक, ठीक है बेटा। तो सोर्स कोड एडिटर में 3 चीजें आती हैं, कौन कौन सी बताना सर। तो मैं कह रहा हूँ सोर्स कोड एडिटर में 3 चीजें आती हैं, कौन कौन सी, तो प्रीटी पेंटिंग, कॉन्टेक्स्ट और सेंसिटिव प्रॉम्प्ट, डायनेमिक्स सिंटैक्स चेकिंग। बताइए। चलो मुदम्मिल, एम आई क्लियर? जी सर। मुजम्मिल, एक और वर्ड होता है ट्रांसलेटर, यानी कि एक और आईडी का जो दूसरा मेन पार्ट होता है। पहला मेन पार्ट तो तुमने पढ़ लिया, विच इज सोर्स कोड एडिटर। अच्छा, हम इन सब की डिस्क्रिप्शन अभी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो आपके पास होता है ना, वो होता है क्या, ट्रांसलेटर। मुजम्मिल ट्रांसलेटर क्या करता है, पता नहीं सर। ट्रांसलेटर कोड को ट्रांसलेट करके ऑब्जेक्ट कोड में दिखाएगा। ट्रांसलेटर कोड को ट्रांसलेट करके किसमें दिखाएगा, ऑब्जेक्ट कोड। आइए पहले मैं ट्रांसलेटर की आपको एग्जांपल दिखा, ठीक है। चलिए गाइस, मेरे मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को। यस सर। चलिए देखें, यहां पर मैंने ये पाइचाम इंस्टॉल किया है, मैंने पाइचाम ओपन किया, ठीक है। पाइचाम ओपन हो रहा है, पाइचाम कैसे शॉर्ट होगा उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये पाइचाम हमने ओपन किया, सही है गाइस। ये देखो पाइचाम एक आईडी सॉफ्टवेयर है, देखो मैंने न्यू फाइल किया, उसने बोला भाई कौन सी फाइल बनानी। अच्छा पाइचाम पे सिर्फ पाइथन नहीं चलती, बहुत सारी लैंग्वेज चलती है, देखो यहाँ पे। मैंने कहा भाई नहीं, मुझे तो पाइथन लैंग्वेज बनानी, मुझे पाइथन की फाइल बनानी। तो मैं फाइल में गया, मैंने कहा न्यू, जैसे ही मैंने न्यू किया तो देखो वो कह रहा है कौन सी फाइल बनानी है। मैंने बोला भाई पाइथन फाइल बनानी, नजर आ रहे बच्चों आप लोग, कौन सी फाइल बनानी है, पाइथन। उसने बोला कहाँ बनानी, पाइथन का नाम बताओ। मैंने बोला भाई आकिब डॉट, आखिर कर दो तो .py हो जाएगा ऑटोमेटिक। बच्चों ये फाइल बन रही है बेटा, देखो ये फाइल बन गई है। अच्छा मुझे पता है आपको अभी मैं इसको बढ़ाता हूँ,
नजर आ रहा है फोन? यस सर जी आ रहा है। चलें, अब आप देखो यहां पर बेटा, नजर आ रहा है सबको? चलें, मैं अपनी वीडियो बंद करता हूं ताकि आपको नजर आए। बेटा इस कोड में अब देखो, यहां पर अगर मैं लिखता हूं लेट सपोज इनपुट, ये क्या लिख रहा हूं मैं? कमेंट ना, पता है ना कमेंट क्यों लिखते हैं? बच्चों कमेंट क्यों लिखते हैं? सर ताकि जो कोड पढ़ रहा है उसको आसानी हो समझने में। जो कोड पढ़ रहा उसको आसानी हो समझ रहे हैं, सही है ना? अब देखो, इनपुट टू नंबर्स एंड आउटपुट द सम, ठीक है? ये तुमने कोड लिखा, ये तुमने कमेंट लिखा। अब तुमने कहा कि सर पाइथन के अंदर पहला वेरिएबल रखता हूं मैं n1, नजर आ रही है? और बड़ा करो। हाँ आ रहे और बहुत। बड़ा करो। n1 इक्वल्स टू इंटीजर, गाइस नजर आ रहा है ये? और तुम करो अब, सही है? इनपुट देख रहे हो, ऑटोमेटिक दे रहा है वो खुद ही। देखो मैंने ये करा, आई लिखा, देखो आई एन लिखा, खुद से दे दिया उसने मुझे। हाँ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट दे रहा है ना? जी सर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट है ना, जिसमें ऑटोमेटिक कंप्लीट कर रहा है, वो मुझे बता रहा है कि भाई ये देख लो ये सारे यूज करने तुम्हें। मैंने बोला ठीक है, मैंने ये यूज कर दिया। देखो मैंने इन्वर्टेड कॉमा खोला, उसने बंद भी कर दिया खुद ही, ऑटो कंप्लीशन है, ठीक है? ये आईडी सॉफ्टवेयर के काम है। फिर मैंने जब करा एंटर फर्स्ट नंबर, सही है? फिर ये क्लोज करा पहला, दूसरा वेरिएबल का नाम एन टू रख के इक्वल टू करा आई एन लिखा, खुद ही कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट दे दिया, कह रहा है इनवर्ट, मैंने बोला जी, कह रहा है एंटर सेकंड नंबर, मैंने कहा ठीक है भाई, सही गाइस? दोनों को सम करना है तो सम बराबर होगा किसके बताना? n1 प्लस N2। n2। फिर बेटा प्रिंट करने के लिए मैं जैसी स्मॉल p यहां लिखूंगा, और देखो खुद दे रहा है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट, क्या कहलाता है ये, है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव फॉर्म ना भाई? अच्छा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट में खुद से कंप्लीट करता है स्टेटमेंट, ठीक है? यहाँ पे प्रिंट करा दें, क्या प्रिंट करा दें? योर सम इज, गाइस आपका सम किसके अंदर मौजूद है? s के अंदर। एम आई क्लियर? अब एक बार बताओ इसमें गलती है, क्या गलती है? पाइथन में अपर लेटर और लोअर लेटर को डिफरेंट ट्रीट किया जाता है। जब ये कैपिटल एस है तो यहां पर भी क्या आना चाहिए? कैपिटल एस। स्मॉल आना चाहिए, कैपिटल आना चाहिए? क्योंकि कैपिटल पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। बोलो पाइथन एक, सही? ये सेंसिटिव लैंग्वेज। अच्छा अब अगर कोई आपसे बोले कि सर इस प्रोग्राम को जो आपने लिखा है इसको रन करें, तो गाइस रन करने के लिए ऊपर ये बटन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है? जी हाँ सर ये बटन एक्चुअल में ट्रांसलेटर है। अहमद तुमने सवाल किया था ना कि सर ट्रांसलेटर क्या होता है? ट्रांसलेटर आईडी का एक ऐसा पार्ट है जो आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में खुद से कन्वर्ट करके देगा, यानी कि सोर्स कोड एडिटर को रिपोर्ट या वॉच विंडो में कन्वर्ट करेगा। ये बटन है ट्रांसलेटर का, कर दू ट्रांसलेट? जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा बच्चों, नीचे उसने ट्रांसलेट करके रिपोर्ट या वॉच विंडो दे दी, जो कि ये रही आईडी, दिख रहा है बच्चों? हाँ कह रहे जी इंटर। सर आप देखो लाइन नंबर टू में फर्स्ट की स्पेलिंग क्या है मेरी, डी डला है उसमें। तो आप देखो ऑब्जेक्ट कोड में भी डी आ रहा है ना, समझ आ रही है बात? जी सर वो तुम लिखोगे वही आएगा ना भाई, ट्रांसलेट कर रहे हैं ना। अब दोबारा ट्रांसलेट करता हूँ, स्टॉप कर दिया मैंने, दोबारा रन कर रहा हूं, सही हो गई स्पेलिंग? चलो
अब वो कह रहा है पहला नंबर इनपुट करें गाइस, अगर मैं पहला नंबर 4 लिख के एंटर करूंगा तो ये जाके किसमें स्टोर होगा 4, जल्दी बताओ। N1 N1 में, वेरी गुड। ये जो तुम काम कर रहे हो ना, ये जो स्क्रीन है नीचे वाली, इस स्क्रीन को क्या बोलते हो? ट्रांसलेट होने के बाद रिपोर्ट या वॉच विंडो। ट्रांसलेट होने के बाद जो विंडो आई है इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्ट या वॉच विंडो। बच्चों ये मैंने 6 लिख के जैसे ही एंटर करूंगा तो क्या होगा, जल्दी बताओ। सम प्रिंट हो जाएगा। सम प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट होगा? योर सम इज कितना? पेन समझ आया भाई? जी सर, तब मुझे बताओ ट्रांसलेटर क्या कर रहा है। सर्वर सोर्स कोड को क्या कहते हैं वाली विंडो, रिपोर्ट विंडो में लेके आया। है ना? और ये जो तुम काम कर रहे हो ना, ये काम तुम्हें करके दे रहा है कौन? करके दे रहा है आईडी का फीचर, विच इज ट्रांसलेटर, विच इज ट्रांसलेटर। अब सुनो, ट्रांसलेटर दो टाइप्स के हैं। अगर लाइन बाय लाइन काम हो रहा है तो इंटरप्रेटर, और अगर पूरा एक साथ हो रहा है तो कंपाइलर। बोलो कितने तरीके के ट्रांसलेटर हैं? दो। कौन कौन से? हाँ, इंटरप्रेटर कंपाइलर दोनों में क्या फर्क है? लाइन बाय लाइन काम करने वाला इंटरप्रेटर, और पूरे ट्रांसलेट करने वाला कंपाइलर। तो एक्चुअल में ये लाइन बाय लाइन कर रहा था या पूरा एक साथ कर रहा था? सर, लाइन बाय इंटरप्रेटर लाइन, ये लाइन बाय लाइन कर रहा था। तो बेटा ये पाइचाम के अंदर आपका इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर लगा हुआ है। ट्रांसलेटर तो है, बट कौन सा है? इंटरप्रेट। ओके अच्छा, पूरा आपको समझ आ गया ये? ठीक है, ये जो नीचे वाली स्क्रीन है गाइस, इसको क्या बोलते हैं जल्दी बताओ। अबे इस स्क्रीन को क्या बोलते हैं? रिपोर्ट और रिपोर्ट विंडो रिपोर्ट विंडो या वॉच विंडो, जिसमें वेरिएबल्स की वॉच विंडो एग्जीक्यूशन होती है। कोई अगर आपसे बोलेगा ना कि रिपोर्ट और वॉच विंडो में होता है क्या, बोलना वेरिएबल की एग्जीक्यूशन होती है, वैल्यू पुट करते हैं। और जो वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, जैसे ये 5, तो ये है टेस्ट डेटा। बोलो ये क्या है? टेस्ट डेटा। सही है? एम आई क्लियर गाइस? समझ आया था? यस सर जी सर। शाबाश। अब मैं वापसी आ रहा हूं। अच्छा, एक और बात, पाइचाम समझ आया सबको? पाइचाम है क्या? अगर तो वन लाइन में पूछो व्हाट इज पाइचाम, तो क्या जवाब दोगे? शाबाश, सर एक सॉफ्टवेयर आईडी है जिसमें एक लैंग्वेज रन होती है। चले बच्चों। मैंने आपको ट्रांसलेटर पढ़ा दिया। ट्रांसलेटर क्या कर रहा था? आपके सोर्स कोड को इंटरप्रेट, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड या रिपोर्ट विंडो में करके दिखा रहा था। ठीक है गाइस, मैंने आपको सोर्स कोड एडिटर करा दिया, मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प करा दिया। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रन टाइम इन्वायरमेंट विद डीबगर। रन टाइम इन्वायरमेंट विद डीबगर का मतलब ये है कि करंटली जो हम काम नहीं कर रहे थे अभी, वो होता है रन टाइम इन्वायरमेंट, बट उसके अंदर एरर्स को फाइंड करना क्या कराएगा? डीबगर। उसके अंदर एरर्स को फाइंड करना क्या कराएगा? बोलो। डीबगर, डीबगर एरर फाइंड करेंगे हम लोग, गलत कोड देखेंगे उसको वो डीबग करके देगा। अब डीबग करने के बेटा 3 तरीके, कौन कौन से? सिंगल स्टेपिंग, यानी कि वन लाइन एट अ टाइम। बोलो क्या? वन लाइन एट अ टाइम, एक वक्त में एक एक लाइन को करता जाएगा, डीबग करता जाएगा, एरर फाइंड करता जाएगा, एक वक्त में एक लाइन को, एक वक्त में एक लाइन को। ठीक है, दूसरा बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कह रहा हूँ ब्रेक पॉइंट्स। ब्रेक पॉइंट्स का मतलब है 10 10 लाइनों को चेक करते जाओ, पहले 1 से लेके 10 तक चेक करो। ठीक है, फिर 10 से लेके 20 तक चेक करो। तो इनके बीच में हमने जो सेट नंबर ऑफ लाइंस बनाई है ना, हम एक्चुअल में लाइंस का सेट बना लेते हैं, और उन लाइंस के सेट को चेक करना क्या कहलाता है? ब्रेक पॉइंट। अगर मैंने 10 10 का सेट बना लिया तो ये कहलाता है ब्रेक पॉइंट। अगर मैंने 20 लाइनों का सेट बना लिया तो शुरू की 20 लाइनों को चेक करने वाला क्या कराएगा? ब्रेक पॉइंट। अगर मैंने 50 लाइनों का सेट बना लिया तो 50 50 50 50 को चेक करने क्या कराएगा? ब्रेक पॉइंट। एम आई क्लियर? तो भाई डीबगिंग में अगर वन लाइन अगर टाइम होगी तो वो क्या कराएगा बताओ? एक वक्त में सिंगल एक। स्टेपिंग अगर मैं सेट लाइंस ऑफ कोड, यानी कि 10 10 लाइनों को या 20 20 लाइनों को या 50 50 लाइनों को चेक कर रहा हूँ तो वो क्या कराएगा? ब्रेक पॉइंट्स।
बोले क्या कराएगा? वो ब्रेक पॉइंट्स। जो हमारी वेरिएबल की एग्जीक्यूशन हो रही थी ना, जिसमें हम एन वन में 4 डाल लेते, एन टू में 3 डाल लेते, वेरिएबल की एग्जीक्यूशन की जो विंडो है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्ट और वॉच विंडो। सही है बच्चों? अब इसको डिटेल में जरा फॉर्मल वर्डिंग दिखाता हूं आप गाइस। लास्ट से आपके पास ऑटो डॉक्यूमेंटर, जिसमें एक्सप्लेन करते हैं कौन सी प्रोग्रामिंग का क्या कोड है। बच्चों ये आप नहीं बनाते, आईडी खुद से बना के अपने पास रख लेता है। ये कहलाता है एन ऑटो डॉक्यूमेंटर। बोले क्या कहलाता है? एन ऑटो डॉक्यूमेंटर। सही डॉक्यूमेंटिंग है? तो बच्चों आईडी के मेन फीचर्स कौन कौन से होते हैं? मेन आप बोलोगे सोर्स कोड एडिटर, दूसरा ट्रांसलेटर, तीसरा रन टाइम इन्वायरमेंट विद डीबगर, एंड चौथा एन ऑटो डॉक्यूमेंटर। चलो जल्दी से रिपीट करो, आईडी के कितने मेन फीचर होते हैं? सोर्स कोड एडिटर, चार। ट्रांसलेटर, रन टाइम एनवायरनमेंट ट्रांसलेटर, रन टाइम एनवायरमेंट विद डीबगर एंड ऑटो डॉक्यूमेंटर। अब बेटा वन बाय वन मैं डेफिनेशन भी दिखाऊंगा, क्योंकि क्योंकि एग्जाम में वो आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है। कहता है बताओ सिंगल स्टेपिंग क्या होती है, वन लाइन की डेफिनेशन बताओ। कहता है बताओ ब्रेक पॉइंट क्या होता है, वन लाइन की डेफिनेशन बताओ। कहता है एग्जामिनर की रिपोर्ट या वॉच विंडो बताओ, वन लाइन की डेफिनेशन। तो आपको आइए मैं आपको डिटेल में इसकी वर्डिंग भी दिखाता हूँ। चलो कोई अगर आपसे बोलेगा ना कि भाई व्हाट इज सोर्स कोड एडिटर, तो मैं उसको बताऊंगा यार जब मैं कोडिंग कर रहा होता हूँ ना, जब मैं कोडिंग करता हूँ मुझे मजा आता है, ऑटोमेटिक कंप्लीशन और ये सब चीजें होती हैं, ये सब क्या कहलाता है? सोर्स कोड एडिटर। ठीक है, क्या कहलाता है? सोर्स कोड एडिटर। भाई सोर्स कोड एडिटर पता है ना क्या होता है? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने वेबसाइट ओपन करी, आप देखिएगा ये मेरा यूट्यूब चैनल आ गया। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है नहीं आ रही? सर आ रही है। ये मैंने वेबसाइट ओपन करी ऑनलाइन कंपाइलर dhtkhan.com। सोर्स कोड एडिटर दिखा रहा हूँ ये, मैं यहाँ पर जाके पाइथन आईडी में जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो स्क्रीन दिख रही है बच्चों मेरी, हाँ देखो कोडिंग लिखी। गाइस ये जो स्क्रीन है, ये वाला ये जो स्क्रीन है, ये कौन सी स्क्रीन है बताना? सोर्स कोड एडिटर या वो सोर्स विंडो, सोर्स सोर्स कोड, सोर्स एडिटर। सोर्स कोड एडिटर पूरा बोलो, सोर्स कोड एडिटर। क्या है सोर्स कोड एडिटर? अब ये मैं इसको देखो फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ जाके मैंने फॉन्ट साइज बढ़ा लिया, सही है ना? अब आप देखो सोर्स कोड एडिटर में बहुत सारी चीजें, ये जो स्क्रीन है ना जिसमें मैं कोड्स को एडिट कर रहा हूँ, ये वाली स्क्रीन पूरी की पूरी क्या कहलाएगी? सोर्स कोड एडिटर। गाइस इसका जो रिजल्ट आएगा ना राइट साइड पे, आइए रन करके दिखाते, देख रहे हो ये जो रिजल्ट आ रहा है, इस स्क्रीन का क्या नाम है? वेरी रिपोर्ट विंडो या वॉच विंडो? गुड, सही है। सोर्स कोड एडिटर में ये अलग अलग कलर्स में हो रही है ना चीजें, ये अलग अलग कलर्स को क्या बोलते हो तुम? वेरी प्रीटी गुड प्रिंटिंग या फिर कलर। बच्चों, सोर्स कोड एडिटर में एक हो गया प्रीटी प्रिंटिंग। आपने मुझे पहला फीचर बताया कि सर पहला फीचर है, मैं यहाँ कमेंट में लिख रहा हूँ, सोर्स कोड एडिटर का पहला फीचर तुमने मुझे बताया प्रीटी प्रिंटिंग, सही, या कलर कोड। दूसरा फीचर क्या बताया बेटा? ऑटोमेटिक कंप्लीशन, खुद से कंप्लीट करता है ना। यहाँ पर बच्चों मैं जो भी लिखूंगा खुद से कंप्लीट करेगा ना वो, खुद से कंप्लीट करने को मैंने वर्ड बताया था, क्या बोला था? कॉन्टेक्स्ट, बोलो, सेंसिटिव प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट। ऑटो कंप्लीशन के लिए बच्चों, ऑटो कंप्लीशन के लिए जो एक्चुअल वर्ड है वो है क्या? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट, ऑटो कंप्लीशन। खुद से कंप्लीट कर रहा था ना, पढ़ाया था ना अभी, सही है। तीसरा फीचर जो सोर्स कोड एडिटर स्क्रीन के अंदर ही आता है वो क्या आता है बच्चों बताओ? डायनेमिक, बोलो, डायनेमिक, सिंटेक्स चेकिंग। डायनेमिक सिंटेक्स चेकिंग, यानी कि कौन सा सिंटेक्स सही है और कौन सा सिंटेक्स गलत है, सही है, डायनेमिक सिंटेक्स चेकिंग। और इसके अंदर बच्चों तीन मैंने आपको बताए थे। अच्छा, इसका मतलब होता है हाईलाइट करना कौन सी जगह पे गलती है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट है ना पी खाती, ये एक्चुअल में बताएगा यार ये तुम्हारा सिंटेक्स सही है, देख रहे हो ये क्या हो गया बच्चों? येलो हो गया, येलो। हाँ गाइस ये येलो हो गया प्रिंट का पीस जैसे मैंने खाया, सर हो गया जी सर। इसका मतलब क्या हुआ कि हाई डायनेमिक सिंटेक्स चेकिंग, उसने खुद बता दिया कि यार ये गलत कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो आप, एम आई क्लियर? तो डायनेमिक यस।
में दो तरीके के एरर आते हैं, एक होता है लॉजिकल एरर और एक होता है सिंटेक्स एरर। तो ये जो प्रिंट का पी तुमने खाया है ना, ये डायनेमिक सिंटेक्स चेकिंग है, और यहाँ पर सिंटेक्स सही कर दो वो कह रहे हैं। क्योंकि ये काम आप नहीं कर रहे, सोर्स कोड स्क्रीन में हो रहा है। जब सोर्स कोड स्क्रीन में होगा तो सोर्स कोड स्क्रीन में तीन चीजें होती हैं, कौन कौन सी बेटा? प्रिटी प्रिंटिंग, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प और डायनेमिक सिंटेक्स चेकिंग। बोलो, प्रिटी प्रिंटिंग, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प और डायनेमिक डायनेमिक सिंटेक्स। सेंटेंस एम क्लियर? यस सर। अब देखो, हमने भी आपको यही बातें बताई। देखो ये लिखा हुआ है, अब थ्योरिटिकल चीज भी वो आपको बता रहे हैं ना कि भाई सोर्स कोड एडिटर में प्रोग्रामर को हम अलाउ करते हैं कि वो कोड को राइट कर सके और विदाउट द नीड ऑफ यूज सेपरेट टेक्स्ट एडिटर, यानी कि अलग किसी टेक्स्ट एडिटर की जरूरत नहीं है, आप जाओ आसानी से सोर्स कोड को एडिट करो। बच्चों, सोर्स कोड एडिटर में तीन चीजें मैंने आपको अभी पढ़ाई। नंबर वन क्या पढ़ाया गाइस? प्रिटी प्रिंटिंग। प्रिटी प्रिंटिंग के अंदर वही सब बातें लिखी हुई है मैंने। क्या लिखी? मोस्ट सोर्स कोड एडिटर कलर कोड्स द वर्ड्स इन द प्रोग्राम एंड द लेआउट ऑफ द प्रोग्राम इन अ मीनिंगफुल वे, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प या कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट, जिसका एक और नाम मैंने हमेशा बताया है, ऑटो कंप्लीशन। ठीक है, सजेस्ट द कोड टू ऑटोमेटिकली कंप्लीट द स्टेटमेंट। आगे समझ में? सजेस्ट द कोड टू ऑटोमेटिकली कंप्लीट द स्टेटमेंट, कोड को बताता है कि भाई ये कंप्लीट कर लो, शाबाश। नेक्स्ट आ जाओ, डायनेमिक सिंटेक्स चेकिंग। हाईलाइट करेगा या अंडरलाइन करेगा, अगर तुमने कोई गलती करी है तो उसको हाईलाइट करके बता देगा। एम आई क्लियर? यस सर जी सर। नेक्स्ट होता है बच्चों आपके पास ट्रांसलेटर। गाइस, ट्रांसलेटर दो टाइप्स के थे, नंबर वन कंपाइलर, नंबर टू। कंपाइलर इंटरप्रेटर्स क्या कर रहा था? सर पूरे कोड को डायरेक्टली बयान करता है कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। बस ये काम भी आईडी का है ना, मैंने करके दिखाया है ना अभी आपको। यस आईडी के अंदर एक ट्रांसलेटर लगा हुआ होता है जो आपकी पूरी सोर्स कोड एडिटर को रिपोर्ट और वॉच विंडो में प्रोड्यूस करके देखे। ठीक है, ये वही सब बातें लिखी हुई, मैं आगे चलता गाइस। नेक्स्ट, रन टाइम एनवायरनमेंट का मतलब जो हम कोड कर रहे होते हैं और डीबग जब करते हैं। तो गाइस, डीबग करने के मल्टीपल तरीके थे, वो मैं आपको बता दूं। नंबर वन, डीबगर क्या होता है? लिख दिया मैंने, डीबगर का मतलब होता है एरर को फाइंड करना, चेक फॉर एरर्स। बोलो, चेक फॉर एरर्स। अंडर डेवलपमेंट, प्रोग्राम डेवलपमेंट होते हुए एरर्स को चेक करना डीबगर कहलाता है। सिंगल स्टेपिंग का मतलब मैंने हमेशा पढ़ा है, रन द कोड वन लाइन एट अ टाइम सो द वैल्यूज कैन बी चेक। रन द कोड वन लाइन एट अ टाइम, वन बाय वन लाइनों को चेक करना है ना, ये डीबगिंग है एक्चुअल में। सिंगल स्टेपिंग इज अ काइंड ऑफ डीबगिंग, जिसमें वन बाय वन हर लाइन को चेक करते हैं, बच्चों की तरह वन बाय वन हर लाइनों को चेक करना क्या कहलाएगा? सिंगल स्टेप। और गाइस, हम अगर 10-10 का सेट बना के चेक करें तो वो क्या कहलाएगा? पहले शुरू की 10 लाइनों को चेक करो, फिर 10 से लेके 20 लाइनों तक चेक करो, फिर 20 से लेके 30 लाइनों को चेक करो। वो जो स्पेसिफिक लाइन पे रुकना है और सेट्स में चेक करना है, वो कहलाता है ब्रेक पॉइंट। बोलो, क्या कहलाता है? ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट जल्दी से बताओ, सिंगल स्टेपिंग और ब्रेक पॉइंट में क्या फर्क? सर सिंगल स्टेपिंग वन लाइन बाय लाइन करता है और ब्रेक पॉइंट ग्रुप में करता है। ब्रेक पॉइंट ग्रुप में लाइंस देता है, और वो ग्रुप में लाइंस कितनी होती है? जितने आपको डिसाइड करनी है। लिखा हुआ है, स्टॉप्स अ कोड एट अ स्पेसिफिक लाइंस, स्टॉप्स अ कोड एट अ स्पेसिफिक लाइन टू चेक द करंट वैल्यूज और प्रोग्रेस। क्लियर है गाइस? यस सर जी सर। लास्ट मैंने आपको हमेशा एक स्क्रीन बताई है जिसमें तुम्हारी वैल्यूज पुट करते हो वेरिएबल्स की, और वो क्या है बेटा? रिपोर्ट और वॉच विंडो। गाइज, रिपोर्ट और वॉच विंडो के बारे में देखो क्या लिखा हुआ है। शो द कॉन्टेंट ऑफ वेरिएबल, है ना, जैसे 4 डाल रहा था 5 डाल रहा था, और फिर वो जो एक्सप्रेशन है या वो जो चीज है वो इवेलुएट हो रही थी या रन हो रही थी, वो जो स्क्रीन होती है उस स्क्रीन को क्या बोलते हैं? रिपोर्ट और वॉच विंडो। ये सब किस में आता है? रन टाइम एनवायरमेंट विद डीबगर। बोलो, किस में आता है? रन टाइम एनवायरमेंट विद डीबगर। एम आई क्लियर? यस सर तो जल्दी बताओ, रन टाइम एनवायरनमेंट विद डीबगर आईडी का जो फीचर है उसमें चार फीचर है, कौन कौन से? हाँ, डीबगर सिंगल स्टेपिंग्स एंड ब्रेक पॉइंट रिपोर्ट विंडो आपसे पूछूंगा, जवाब देना। रिपोर्ट विंडो और ब्रेक पॉइंट में क्या?
सर ब्रेक पॉइंट जो होता है वो क्या कहते हैं, एरर्स चेक करने के लिए होता है, और जो रिपोर्ट विंडो होता है वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट दिखाता है। फाइनल प्रोडक्ट दिखाना नहीं बोलेंगे हम, बोलेंगे फाइनल प्रोडक्ट दिखाने के बाद जो वेरिएबल्स के जो कंटेंट होते हैं ना, जो वेरिएबल्स की वैल्यू दिखा रहा होता है, जो एक्सप्रेशन चला रहा होता है, उस विंडो को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्ट और वॉच विंडो। क्लियर। अच्छा अब बताओ सिंगल स्टेपिंग और ब्रेक पॉइंट में क्या फर्क है, दोनों डीबगर हैं, पहले ये बताओ, दोनों डीबगिंग करने के तरीके हैं, बोलो। जी सर, तो दोनों में, यस दोनों डीबगिंग में फर्क है, बोले यार, वेट करूँ। सर, सिंगल स्टेपिंग लाइन बाय लाइन करता है, ब्रेक पॉइंट जो होता है वो ग्रुप में करता है। ग्रुप ऑफ लाइंस को सिलेक्ट करना, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा रन टाइम एनवायरनमेंट में डीबगर। बच्चों लास्ट फीचर या हमारे पास फीचर था वो था क्या, एन ऑटो डॉक्यूमेंटर। ऑटो डॉक्यूमेंटर में आप जो भी कोडिंग कर रहे होते हो उसकी फंक्शनैलिटी ऑफ द कोड आईडी खुद से बना रहा होता है, यानी कि खुद से एक डॉक्यूमेंट बना के अपने पास रख रहा होता है। तो मोस्ट आईडी यूजुअली प्रोवाइड इन ऑटो डॉक्यूमेंटर टू एक्सप्लेन द फंक्शंस या पर्पस ऑफ योर प्रोग्रामिंग कोड। एम आई क्लियर? यस सर, तो गाइस दिस इज द आईडी सॉफ्टवेयर। आईडी सॉफ्टवेयर लाजमी है हर प्रोग्रामर को। देखो मैं आपको जब प्रोग्रामिंग कराऊंगा तो यार आईडी तो आना चाहिए ना, आईडी पता तो होना चाहिए, व्हाट इज आईडी। तो आईडी मैंने आपको बता भी दिया और आईडी के मेन फीचर्स और उनकी डिस्क्रिप्शन भी दिखाई। गाइस डायनेमिक सिंटेक्स चेकिंग में दो तरीके के एरर मैंने आपको बताए, अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करोगे, आप कॉलन लगाना भूल गए, आपने कोई चीज मिस कर दी, तो वो है सिंटेक्स चेकिंग। आपकी लॉजिक में मसला है, आपको ऐड करना था आपने माइनस कर दिया, तो गाइस वो कहलाता है लॉजिकल एरर। ठीक है, तो एक्चुअल में भाई चार चीजें थी आईडी में मेन। नंबर वन सोर्स कोड एडिटर, जिसमें बेटा प्रिटी प्रिंटिंग, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है, डायनेमिक सिंटेक्स चेकिंग आ गई। नेक्स्ट है बेटा ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर में कंपाइलर इंटरप्रेटर आया। फिर रन टाइम एनवायरमेंट विद डीबगर, जिसमें डीबगिंग, सिंगल स्टैपिंग, ब्रेक पॉइंट और रिपोर्ट या वॉच विंडो आया। गाइस लास्ट था एन ऑटो डॉक्यूमेंटर, जिसमें एक्सप्लेन करा उसने क्या फंक्शनैलिटी ऑफ द कोड। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस एग्जाम में सवाल आता है कि फीचर्स ऑफ आईडीई बताएं, क्या क्या फीचर लिखोगे बताओ। नंबर वन सर उसका हम लोग सोर्स को एडिटर का लिखेंगे, और सोर्स कोड एडिटर भी लिख सकते हैं, वेरी गुड। फिर उसकी एरर चेकिंग का लिखेंगे। बहुत सारे होते हैं ना, आप सोर्स कोड एडिटर के सारे नाम लिख सकते हो, कौन कौन से, प्रिटी प्रिंटिंग और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव फ्रॉम, हाँ प्रिटी प्रिंटिंग या कलर कोड्स, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट, और डायनेमिक सिंटेक्स चेकिंग, ये भी लिख सकते हो, ट्रांसलेटर भी लिख सकते हो, सारे लिख सकते हो ना, यस ट्रांसलेटर सर, ट्रांसलेटर लिख सकते हो, डायनेमिक सिंटेक्स चेकिंग लिख सकते हो। सही, और भी लिख सकते हो क्या, ट्रांसलेटर, सिंगल स्टेपिंग, डीबगर, है ना भाई, यस सिंगल स्टेपिंग, ब्रेक पॉइंट, ये सारे फीचर है ना। भाई समझ आ रहे हैं? यस सर, अब बताओ कौन सा मिसिंग है इसमें, रिपोर्ट और वॉच विंडो, है ना, ये सारे फीचर दोगे किसके बेटा, आईडी। हमें क्लियर? ओके सर, अच्छा बच्चों आईडी के फीचर्स बताए गया, प्रेजेंटेशन के फीचर्स कौन से हैं और इनिशियल डिटेक्शन एरर के फीचर कौन से, ये तो सारे फीचर्स दिख दिए ना कंबाइंड। अब आईडी के फीचर बताएं जो आईडी के प्रेजेंटेशन के फीचर हैं और इनिशियल डिटेक्शन ऑफ एरर के फीचर। चले बच्चों, तो ये आपके पास एक सवाल आया था पास पेपर के अंदर कि भाई आईडी के प्रेजेंटेशन के फीचर्स बताओ। सही है, आईडी के फीचर्स बताओ बट जिससे हम प्रेजेंट करें, तो बच्चों आंसर बताएं क्या है। सही तो एक प्रिटी प्रिंटिंग हो गई, है, और
सॉरी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट हो गया। नंबर टू क्या हो गया? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट। और क्या हो गया? ऑटोमेटिक इंडेंटेशन भी तो होगा ना, उससे करके दे रहे हो, है ना? यस सर, इंडेंटेशन कर रहे हैं ना, प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट। ठीक है, प्रिटी पेंटिंग, कलर स्कोर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट, ऑटो कंप्लीशन इसी में आएगा, है ना? खुद से आपको करके दे रहे हैं। ट्रांसलेटर भी आ सकता है कि भाई, तो ट्रांसलेटर तो नहीं। चलो बच्चों नेक्स्ट आ जाओ। इनिशियल डिटेक्शन ऑफ एरर्स, यानी कि शुरू में जो एरर्स को डिटेक्ट करके देगा बच्चों को या बिल्कुल बिगनर प्रोग्रामर को, तो वो कौन कौन से आईडी के फीचर? नंबर वन, सर डायनेमिक सिंटेक्स हाँ, चेकिंग। डायनेमिक सिंटेक्स चेकिंग, क्योंकि एरर डिटेक्ट करता है ना, डायनेमिक सिंटेक्स चेकिंग। ठीक है, दूसरा यस हाईलाइट अनडिक्लेयर वेरिएबल या ऑटोमेटिक इंडेंटेशन भी। और बताओ, प्रीटी प्रिंटिंग भी है इसमें, इनिशियल डिटेक्शन ऑफ एरर्स में चाहिए, टाइप चेकिंग, डेटा की टाइप को चेक करना, डेटा टाइप को चेक करना, इनिशियल है ना बेटा, बिल्कुल बच्चों की तरह भाई, पहले चेक कर लो कि तुमने इंटीजर ही रखा, रेयर रखा या कुछ और रखा। तो तीन बता दिए, डायनेमिक सिंटेक्स चेकिंग, ऑटोमेटिक इंडेंटेशन, तीसरा डायनेमिक सिंटेक्स, तीसरा डेटा टाइप को चेक करना। बेटा पैरामीटर को चेक करना, ऑटोमेटिक इंडेंटेशन, ये सब इसी में आएगा। पैरामीटर अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं ना, पैरामीटर को चेक करना भी इसी में आएगा। तो सर ऑटोमेटिक इंडेंटेशन प्रेजेंटेशन में नहीं आएगा। प्रेजेंटेशन में भी आएगा और इधर भी आएगा। बच्चों इस सवाल का मतलब ये कि ना, आईडीई बिगिनर प्रोग्रामर को कैसे मदद करेगा कि वो एरर्स को शुरू में ही चेक कर दे, शुरू में ही चेक कर दे। तो शुरू में चेक करने के लिए ना हम कह रहे हैं भाई, पहले चेक करो उसकी सिंटेक्स सही है, पहले देख लो कि वो इंडेंटेशन वगैरह सही है नहीं है, वरना इंडेंटेशन ही बता देगा कि भाई ये गलत है ना। इंडेंटेशन कैन हेल्प द इनिशियल एरर डिटेक्शन, ये बात समझ आई है कि अगर इंडेंटेशन गलत होगी ना तो भी बता दे। ठीक है, यस समझ। सर, डेटा की टाइप को चेक करोगे सही है नहीं है। अच्छा, दो दफा ऑटोमेटिक इंडेंटेशन क्यों लिख दिया मैंने? और बच्चों पैरामीटर आर द वैल्यूज जो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाती है, तो अगर वो वैल्यू सही है या नहीं है उसको चेक कर लो। ये कहलाता है क्या? इनिशियल डिटेक्शन ऑफ एरर्स बाय आईडीई। एम आई क्लियर? यस एक और इसका आंसर है, जी तो कोई वेरिएबल अनडिक्लेयर तो नहीं? अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल को चेक कर लो, अनडिक्लेयर वेरिएबल हाईलाइट कर देगा, अनडिक्लेयर वेरिएबल। सही है, चलो। तो ये पास पेपर के सवाल थे कि भाई प्रेजेंटेशन में कैसे होता है और इनिशियल डिटेक्शन ऑफ एरर्स में आईडी कैसे इस्तेमाल होता है। गाइस अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो भाई आपके पास एक प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है जो चैप्टर नंबर 11 में आएगा, बट उसके पास पेपर हैं, तो मैंने कहा उस पास पेपर को जरा सम अप कर देते हैं। एक्चुअल में वो आपसे कह रहा है कि जब आप प्रोग्राम को डेवलप करते हो या प्रोग्राम को लिखते हो, तो प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल करते वक्त आपके पास तीन स्टेज होते हैं। स्टेज नंबर वन, गाइस जब प्रोग्राम लिख रहे होता है ना कोई भी कोडर, तो उसके बाद तीन स्टेज होते हैं। स्टेज नंबर वन कोडिंग, लिखना, लिखने को बोलते हैं राइट करना। ठीक है, स्टेज नंबर वन का नाम क्या बेटा? राइट करना। स्टेज नंबर टू का नाम होगा ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसलेट करना फ्रॉम सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड। गाइस जब हम राइट करते हैं ना, तो हम राइट करते हैं, बच्चों बताओ मेरा कोड राइट किस में होता है? सोर्स कोड, बोलो। सोर्स ग्रेड सोर्स कोड एडिटर में कोड राइट होता है ना। गाइस ट्रांसलेट कौन करता है? कंपाइलर और
इंटीजर इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर। और तीसरा बच्चों, तीसरा होता है टेस्टिंग करना। स्टेज नंबर 3 का नाम है क्या? टेस्ट करना। टेस्ट का एक और नाम क्या पढ़ा है तुमने? डी बगिंग, है ना? तो यस डी बगिंग करने के मैंने तुम्हें बहुत सारे तरीके बताए थे। कौन कौन से? सिंगल स्टेपिंग और ब्रेक पॉइंट्स। ब्रेक पॉइंट और रिपोर्ट और वॉच विंडो, जिसमें वेरिएबल की एग्जीक्यूशन होती है। रिपोर्ट विंडो, समझ आए? ठीक है, यस ये प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल स्टेजेस में चले जाएंगे। सही है, यहाँ तक कोई मसला? चलें, तो गाइस ये पास पेपर में देखो सवाल आया था, मई जून 23 के अंदर आया है ये सवाल। मई जून 23 यानी कि जो रिसेंट एग्जाम हुआ है गाइस, मई जून 23 का। अच्छा, लेकिन पेपर नंबर 1 में आया। मैंने आपको पहले बताया था ना कि आईडी पेपर नंबर 1 के अंदर भी आ सकता है। तो गाइस दिस इज अ क्वेश्चंस क्वेश्चन जिसके अंदर उसने पूछा कि भाई आईडी का एक फीचर है ब्रेक पॉइंट। देख लो कि ब्रेक पॉइंट के बारे में, चलो उर्दू में बताओ व्हाट इज ब्रेक पॉइंट। सर, कोड के जो लाइन ग्रुप ग्रुप ऑफ लाइंस को चेक करेगा। ग्रुप ऑफ लाइंस को चेक करना है या रन द कोड टू द स्पेसिफिक लाइंस। डायनेमिक सिंटैक्स चेक क्या होता है बेटा? भूल गए? बोलो सर, बोलो। इसमें दो आएंगी सिंटेक्स और लॉजिक एरर जो होते हैं वो चेक करता है। सही, लेकिन आप पहले बताओ तो व्हाट इज डायनेमिक सिंटैक्स चेक। भूल गए है ना? और तो ये रहा डायनेमिक सिंटेक्स चेक, हाईलाइट करेगा या अनडिक्लेयर करेगा सिंटेक्स एरर को एज द कोड इज एंटर्ड। बोलो, हाईलाइट और अंडरलाइन, हाईलाइट अंडरलाइन और कलर द सिंटेक्स एरर एज द कोड इज एंटर्ड, एज द कोड इज एंटर्ड। जैसे तुम कोड लिख रहे होगे, उस कोड में कोई गलती होगी तो फॉरन से हाईलाइट करके दे देगा। सही, ये है ना डायनेमिक सिंटेक्स चेकिंग। बोलो बच्चों, डायनेमिक सिंटेक्स चेकिंग की डेफिनेशन बताओ क्या है, जल्दी बताओ। सर सर वो वो हाइलाइट हाईलाइट या कोड है, अंडरलाइन कर दे। सही है, ठीक है, हाईलाइट या अंडरलाइन सिंटेक्स एरर एज द कोड इज एंटर्ड। बच्चों नेक्स्ट है बेटा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प की डेफिनेशन बताओ। सजेस्ट द कोड टू ऑटोमेटिक कंप्लीट द स्टेटमेंट। सही है, चलो मुझे बताओ क्या लिखूं डायनेमिक सिंटेक्स चेकिंग में। अंडरलाइन सर कोड एट इज इस एट इज इट अंडरलाइन द कोड, अंडरलाइन द सिंटेक्स एरर, सही, एज द कोड इज एंटर्ड। सही है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट के बारे में बताओ क्या होगा। इट ऑटो कंप्लीट्स द समथिंग प्रोग्रामिंग, कंप्लीट। इट ऑटोमेटिक कंप्लीट्स द प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट। सही है ना बच्चों? सिंगल स्टेपिंग क्या होगा बेटा? बोलो बोलो, कोड को चेक सर करना, चेक्स दी कोड लाइन बाय लाइन। चेक्स द कोड 1 लाइन एट अ टाइम। सही है, या लाइन बाय लाइन। ठीक है बच्चों, चेक्स द कोड 1 लाइन एट अ टाइम, ये चेक्स द कोड लाइन बाय लाइन।
सही है बच्चों। और ब्रेक पॉइंट की क्या होगी? चेक द कोड फॉर द स्पेसिफिक लाइंस, है ना। ये देखो ब्रेक पॉइंट की डेफिनेशन, देखो मैं क्या बता रहा हूं। ये देखिए, स्टॉप्स आर कोडेड एज स्पेसिफिक वैल्यूज, क्या लिखी हुई? स्टॉप्स आर कोड एज स्पेसिफिक, लिख दो गया आप, स्टॉप्स आर कोड स्पेसिफिक वैल्यूज टू चेक द करंट वैल्यूज। और सिंगल स्टेपिंग की क्या लिखी? रन द कोड वन लाइन एट अ टाइम। देखा मैंने भी आपको ये बोला, आगे बताओ। स्टॉप्स आर कोड एंड स्पेसिफिक वैल्यूज, फिर क्या लिखें आगे? टू चेक देम, टू चेक देम, यस, टू चेक देम, या टू चेक द करंट वैल्यूज, टू चेक द करंट प्रोग्रेस। एम आई क्लियर गाइस? हाँ, तो ये 4 मार्क्स का आया था, 1 मार्क्स की ये, 1 मार्क्स की ये, 1 मार्क्स की ये, और 1 मार्क्स की। एम आई क्लियर गाइस? यस। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 जो है, उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया जल्दी बताओ। लेक्चर नंबर 6 में मैंने सिर्फ आपको एक चीज पढ़ाई, वो है क्या? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। गाइस अगर आपसे यस पूछो व्हाट इज आईडीई, तो क्या बोलोगे? आईडीई एक कोड रनर सॉफ्टवेयर होता है, जो आपके पास ऑनलाइन अगर आप करोगे तो drkhan.com पे, और अगर सॉफ्टवेयर बेस करोगे तो पाइथन, वीएस कोड और एटम पे। इसके हमने डेफिनेशंस और मल्टीपल फीचर्स पढ़े हैं, सही है बच्चों? ये है आपके पास। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो बेटा ये सब की सब चीज़ें डायमंड बुक के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर मनी। ऑफिस।